अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा तबस्सुम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, यस कढ़ी पकोड़ा, और ये काफी टेस्टी और काफी अच्छे लगते हैं राइस के साथ। और इसमें दही अगर आप खट्टा यूज करें तो बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें मैंने दही लिया है, बेसन लिया है, और इसको सारा जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी कि मैंने क्या चीज कितनी क्वांटिटी में ली है। देन उसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला आप ऐड कर देंगे। देन आपको इसको अच्छे से फेंटना है ताकि कोई लम्स ना हो। पहले आपको दही के ही उससे ही है ना फेंट लेना चाहिए, जैसे ही देखिए हो गया। देन आप इसमें जरा सा पानी ऐड करिए ताकि बैटर में कोई गुठली लम्ब ना रह जाए। जब ये स्मूथ हो जाएगा देन आपको 1 लीटर पानी इसको अच्छे से डालिए और मिक्स करिए। देन आपको ये रखना है गैस पे, अपनी फ्लेम ऑन करने के बाद आप इसको रख दीजिए गैस पे। अब आपको इसको वेट करना है जब तक बॉईल नहीं आता है। हल्के हल्के हाथ से आप चला देंगे ताकि नीचे ना लगे, और हमें बॉईल होने का वेट करना है। लोग कढ़ी बहुत तरीके से बनाते हैं, कई लोग पीसी प्याज डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, बट इन सब के बगैर भी बहुत अच्छी टेस्टी कढ़ी बन जाती है। तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स हैं। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और सारे इंग्रेडिएंट्स की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वो देखना मत भूलिएगा। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। इसको हम हल्की आंच में रख देंगे 45 टू 60 मिनट्स के लिए, अप्रोक्स 1 आवर। तो इतने हम पकौड़ियों की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर मैंने बेसन लिया है, उसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर दिया है, और 2 चुटकी मैंने सोडा लिया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे जरा जरा सा पानी मिला के। तो बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, तो आप कंसिस्टेंसी ध्यान दीजिएगा उसकी। लोग पकौड़ियों में बहुत सारी चीजें भी मिक्स करना पसंद करते हैं कि पकौड़ियां बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर आलू भी डालेंगे, पालक भी डालते हैं। तो हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल ली है। आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए, देन हम इसकी पकौड़ियां डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आलू छोटे छोटे चॉप करके भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। हरा धनिया हो तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ्राई करती हूँ पकौड़ियां जल्दी से। वहां हमारी कढ़ी हो रही है तैयार। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारी पकौड़ियां मैंने डाल दी हैं एक में। आप जल्दी जल्दी पकौड़ियां एक साथ फ्राई करके एक प्लेट में कर दीजिए। ये देखिए हमारी कढ़ी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो जैसे ही पकौड़ियां आपकी हो जाएं और कंसिस्टेंसी कढ़ी की आपको लगे कि गाढ़ी हो गई है, देन अच्छे से पकौड़ियों को ऐड करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। इतने आप भगार तैयार करिए। भगार के अंदर हमने लिया है ऑयल, उसके अंदर मैंने प्याज करी है। प्याज जरा सी आपको पहले ब्राउन करनी है और इसको निकाल लीजिए, क्योंकि ये हम ऊपर से डालेंगे तो क्रिस्पी काफी टेस्टी लगती है। उसी ऑयल में हम रेड चिली डालेंगे, राई और जीरा। तो आप इसको डाल दीजिए एक साथ और इसको हल्के से फ्राई करना है बस आपको। कई लोग एक साथ भी करते हैं, प्याज इसके साथ ही करते हैं, लेकिन प्याज अगर आप अलग से डालेंगे क्रिस्पी तो काफी अच्छी लगती है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। वहां पे आपकी पकौड़ियां जो भीगी हुई हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाएंगी उसके अंदर। तो ध्यान से उसको अच्छे से डिप रखिएगा सारी पकौड़ियों को। तो ये हमारा हो गया है, इसको हम ऊपर से डाल लेंगे भगार। इसमें आप जरा सी हींग भी डाल सकते हैं, और अगर आपको खट्टा और चाहिए तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल ली है सर्व करने के लिए। आप इसमें ऊपर से हल्का सा गर्म पाउडर स्प्रिंकल करिए, देन उसके ऊपर हम प्याज डाल देंगे जो हमने क्रिस्पी प्याज करके रखी थी।
तो ये हमारी कड़ी पकौड़ा बन के तैयार है। बहुत सिंपल रेसिपी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। कुछ ना समझ में आए तो दही और बेसन तो होता ही है, तो आप ये इजीली बना सकते हैं। और मैंने पकौड़ियों में भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं किया है, तो यू मस्ट ट्राई विद कर्ड। खट्टा दही ले तो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।